आज की जो सोलर इक्लिप्स है, ये आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, ये तकरीबन 7:30 पर इसका आगाज हुआ है और ये तकरीबन 8:46 पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यानी 80% कवर करेगा और फिर ये कम होना शुरू होगा 10:30 ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और मैं आम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको जो है नेकेड आई से ना देखें, क्योंकि इसके ज़रिए आपके रेटिना को ये डैमेज कर देगा, आपकी जो आँख की रोशनी है वो मुकम्मल तौर पे जा सकती है, तो प्लीज़ इसको नेकेड आई से ना देखें। ख़ास इसके ग्लासेस होते हैं जो यूवी और इंफ्रारेड के अगेंस्ट ब्लॉक करते हैं, उसके ज़रिए इसको ऑब्जर्व करें। आज तकरीबन ये मैक्सिमम जो 8:46 पर मैक्सिमम होगा, जो तकरीबन 80% वो कवर करेगा सन को, राइट, तो 80% मैक्सिमम के करीब होगा। तकरीबन ये 20 साल बाद ये हो रहा है, ठीक है, और 2032 में शायद यहाँ पर टोटल इक्लिप्स हो जो मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाएगा, ये 2032 में होने के चांस है कराची। 2032 में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाएगा, ऐसा होगा? जी जी। अच्छा, ये कितने साल का इसका प्रोसेस होता है, क्या वो तरीका? किसी भी अगर सपोज करें आपके पास कराची में मुकम्मल तौर पर 2032 में अगर ये हो रहा है, तो 4 साल बाद फिर ये टोटल इक्लिप्स का फिनोमेना होता है, यानी कहीं पे किसी भी जगह दुनिया में अगर ये टोटल इक्लिप्स कहीं पे होता है तो 4 साल बाद इसका टाइम पीरियड होता है, 4 साल के बाद वो दोबारा उस जगह पे, तो बहुत ही यूनिक किस्म का आपके पास ये क्या है ऑब्जर्वेशन है जो टोटल इक्लिप्स को देखा है, ठीक है। और इस इक्लिप्स के जरिए साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, और बल्कि ये टोटल इक्लिप्स वो है जिसके जरिए आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जो फर्स्ट टाइम आपकी प्रूव हुई थी, जो मरकरी को ऑब्जर्व कर दी थी।